एक टाइम था टशन जैसी फिल्म पिटकर रहेगी, क्योंकि उसमें सपोर्टिंग कास्ट में जो सपोर्ट एक्टर था वो उसकी ज़्यादातर फिल्में ही सपोर्टिंग में रही हैं, तो इस वजह से उस वक्त वो फिल्म नहीं चल सकी। लेकिन अब जिस तरह बॉलीवुड में सूखे का टाइम चल रहा है, तो अक्षय कुमार ही है जो चले, डिबेट से हटकर मैं कह रहा हूँ ये, तो इसको नहीं कहते कि किसी को पसंद है अक्षय कुमार ही नहीं है, लेकिन इस पूरे पेंडेमिक में देखें सबसे ज़्यादा बिजी भी यही है, फिल्में भी यही बना रहा है, इवेंट्स में भी यही आ रहा है। शुक्र है सिर्फ खबरों में नहीं आया, बाकी सब चीज़ों में आया है। मोटिवेशनल स्पीकर भी बन के हर एक को यही दिखा रहा है कि भाई ये अपनी हेल्थ के बारे में सोचे हैं, ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। और इस मूवी में भी इस तरह हुआ है कि वो एक एक्टर था, क्या नाम है, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट हिज नेम, आप देखिएगा, तो उससे मिला, कहता यार तू क्यों नहीं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, मैंने क्लिप देखा है कहीं पे, तो कहता भाई वो पेंडेमिक की वजह से नहीं कर रहा, तो कहता वो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ा कर, एटलीस्ट किसी चीज़ को एक्सक्यूज ना बनाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यार चाहे जो मर्जी हो, बाकी सारे एक्टर्स देखें वो कहीं ना कहीं अलहदा हो ही जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को न्यूज़ में नहीं रखना चाहते, फॉर द वेरी गुड रीजन और बैड रीजन ऑल्सो। अभी देखे राधे आई, उसके बाद थोड़ा आइसोलेट ही हो गया, सलमान भाई सामने नहीं आए, लेकिन अक्षय कुमार वो बंदा है जो हर दफ़ा जलील भी होता है, लेकिन एटलीस्ट मार्केट में रहता है लोगों को दिखाने के लिए कि यार कुछ चल रहा है। अभी एक फिल्म आने वाली है, दूसरे का ट्रेलर आ गया है, किसी का पोस्टर आ रहा है, कभी कपिल शर्मा के शो में जा रहा है, अच्छा है, एटलीस्ट बिजी रख रहा है। और ये फिल्म इसलिए चलेगी क्योंकि एक तो इसका पोस्टर बड़ा फेमस हुआ है, दूसरी बात ये है कि सपोर्टिंग कास्ट में जितने भी नाम है वो सारे ज़बरदस्त है, फीमेल एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी है, और सरकट का रोल बड़ी देर बाद आया है, सिमिलर है, बड़ा अच्छा लगेगा, और बाकी जो दूसरे साथ में करेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी है इसको, चलो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात पे बात करते हैं कि मीम्स जो है अभी इंटरेक्शन जो है ना ऑडियंस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना पड़ता है। आई थिंक दे हैव डन अ वेरी गुड बाय पुटिंग दिस मीम इनटू रियलिटी, और इस तरह का सीन बनाया है, तो लोगों को इसलिए भी डिबेटेबल बनने की बात, चलो यार देखते हैं क्या होगा, ये क्या कर दिए, वो क्या कर दिए, बट ठीक है, अच्छा है, कॉपी करने है, कुछ नहीं होता, लेकिन इससे ये है कि ऑडियंस में वो चीज़ डिस्कस तो होती है, ये चीज़ हमने सिमिलर देखी, वहाँ पे देखी, ये इस तरह होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, चल रहा है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म अच्छी चलेगी, वो इसलिए चलेगी क्योंकि लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगेगा, ह्यूमर, कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर सब कुछ इसमें है। लास्ट नॉट द लीस्ट जैकलिन फर्नांडिस होगी, लास्ट में बात है, एक दो आइटम सॉन्ग्स भी होंगे, और कास्ट बहुत पावर पैक है, ठीक है, विशिंग दम गुड ऑफ गुड लक भाई जी। और ज़्यादातर फिल्में अभी इसी तरह ही आ रही हैं, होपिंग कोई अच्छी फिल्म भी आए यार, ये चलेगी ज़रूर, क्योंकि इसमें तो एक दो 100-200 करोड़ कमा ही लेना है लाजमी बात, और फिर ओटीटी भी नेटवर्क ओटीटी नेटवर्क पे चली जाएगी, तो वहाँ से भी कमा लेगी, ऑडियंस को अच्छी लगेगी। पंकज आफ्टर लॉन्ग टाइम ज़्यादातर सीरीज में ही होते हैं, लेकिन मूवीज़ में इनका दूसरा, एक पहले भी एक कॉमेडी रोल कर बैठे हैं, अभी फिर भी, तो आई होप इट विल वर्क वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी, हैव अ ग्रेट वॉच, टेक योर लव एंड स्टे सेफ, बाय बाय।